बांग्लादेश के कुमिल्ला शहर में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखे जाने की घटना के बाद वहां कई हिंदू मंदिरों, पंडालों और घरों पर हमले हुए, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि पंडाल में कुरान रखने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि अभियुक्त की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और अब उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने पहचान किए गए शख्स का नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। हालांकि बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया में पुलिस के हवाले से अभियुक्त का नाम छापा जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि अभियुक्त का नाम इकबाल हुसैन है। अभियुक्त कुमिल्ला के सुजान नगर इलाके का रहने वाला है। द डेली स्टार अखबार में अभियुक्त की उम्र 30 साल बताई गई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में लिखा है कि इकबाल की मां अमीना बेगम कहती हैं कि उनके बेटे को ड्रग्स की लत है और पूरा परिवार उनसे परेशान रहता है। अमीना बेगम कहती हैं कि इकबाल को पिछले 10 सालों से कुछ मानसिक परेशानी है, क्योंकि 10 साल पहले कुछ पड़ोसियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। इकबाल हुसैन के परिजनों का कहना है कि अगर वो सच में दोषी हैं तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उनके भाई रेहान ने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें कुछ समूहों ने भड़काया हो। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होने लगा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स देर रात को पूजा पंडाल में अपने हाथ में कुछ लेकर दाखिल होता है और फिर हनुमान की गदा लेकर वापस जा रहा है। इस अस्थाई पंडाल के आसपास कई हिंदू परिवार बसे हैं। ये परिवार वहां बीते 20 सालों से अस्थाई पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा करते रहे हैं। पूजा के आयोजकों में से एक अचिंत्य दास ने बताया कि सप्तमी के दिन लगभग आधी रात तक लोगों का पंडाल में आना लगा रहा। जब लोगों का आना बंद हुआ तो आयोजकों ने पंडाल के मुख्य अहाते को पर्दे से घेर दिया था। स्टेज से बाहर कुछ ही दूर पर गणेश जी की मूर्ति थी जो खुली हुई थी, वहां किसी का कुरान छूट गया था। सप्तमी के अगले दिन सुबह एक युवक ने 999 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने पंडाल में कुरान रखी देखी है। एक दूसरे युवक ने इस पूरी घटना पर फेसबुक लाइव कर डाला, लेकिन इस घटना के चश्मदीद की कोई जानकारी नहीं है। केवल इतना पता है कि एक युवक ने 999 पर कॉल की और दूसरे ने फेसबुक लाइव किया और बाद में पुलिस ने दो युवकों फयाज और इकराम को गिरफ्तार किया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पंडाल पर हमला बोल दिया गया। लोगों ने इकट्ठे होकर पूजा के पंडाल में तोड़फोड़ की और कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। इस घटना के ठीक बाद बांग्लादेश के चांदपुर समेत कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते की घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 हिंदू हैं। इसके अलावा हिंसा पर काबू पाने की पुलिस की कोशिश के दौरान कम से कम 50 लोग घायल भी हुए हैं।